डिस्क्लेमर, इस वीडियो को देखने से पहले प्लीज आप हेडफोन लगा लें, इससे आपका ऑडियो एक्सपीरियंस काफी अच्छा होगा। और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर देना, और यह वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पस के लिए है। चलिए शुरू करते हैं। नहीं हेलो दोस्तों, वेलकम टू एडुकेशनल भैया। तो यार तुम सब लोग बताओ, तुम लोग को यहाँ आके कैसा लग रहा है मुझे कमेंट में जरूर बताना। तो मेन मुद्दे पे आते हैं, हमारा चैप्टर है द समर ऑफ ब्यूटीफुल व्हाइट हॉर्स। इसमें कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं, कुछ सब कैरेक्टर्स हैं। सब कैरेक्टर्स मतलब जिसका रोल जो है एक या दुक्के बारी है स्टोरी में, ज़्यादातर का रोल तो एक ही बार है, तो वो सब कैरेक्टर्स हुए। पर मेन कैरेक्टर्स जिनका रोल बहुत बार है, तो मेन कैरेक्टर्स में सबसे पहला आता है अरम, फिर दूसरा है अरम का कज़न मुराद जो कि मेन कैरेक्टर है, तीसरा है खुसरो अंकल, और चौथा है जॉन बायरो जो कि एक फार्मर है। फिर कुछ सब कैरेक्टर्स जो कि बहुत कम हमें स्टोरी में दिखने वाले हैं, जिसमें सबसे पहला है अरब जो कि खुसरो अंकल का बेटा है, दूसरा है जोराब अंकल बोलो या जो भी बोलो, जोराब जो है वो मुराद के फादर हैं। मुराद कौन था? अरम का कज़न। तो ऐसे ही तुम लोग याद रखो, तो मुराद जोराब जो है वो मुराद के फादर है। फिर तीसरा आते हैं हमारे अरम की मदर, और फिर चौथा लास्ट सब कैरेक्टर जिसका नाम है फिटवेजियन जो कि एक फार्मर है। तो कहानी कुछ ऐसे शुरू हो रहा है, यहाँ पे अरम 9 साल का है और वो ये बता रहे हैं कि उनका कजन जिसका नाम मुराद है उसे सब लोग पागल मानते थे उनके अलावा। फिर एक दिन का यहाँ जिक्र किया गया है जब मुराद अरम के घर जाते हैं और बाहर से चिल्लाते हैं अरम। ये सुनकर अरम तुरंत अपने बेड से जंप मारते हैं और विंडो के बाहर देखते हैं, और उस समय सुबह के 4 बज रहे थे और वो समर का टाइम था, यानी कि समर सीजन चल रहा था, और सुबह के 4 बज रहे थे यानी कि हल्का हल्का लाइट होगा, रोशनी होगा उस समय। फिर वो बता रहे कि जैसे ही उन्होंने विंडो के बाहर देखा, यानी कि अरम ने विंडो के बाहर देखा, तो उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हुआ कि मुराद जो है वो एक सुंदर से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठे हुए हैं। उन्हें पहली बार पे यकीन नहीं हुआ, इसलिए उन्होंने अपने आँखों को एक बार घसा और फिर वापस देखा, फिर भी वहाँ कुछ चेंज नहीं हुआ। फिर मुराद कहते हैं कि हाँ तुम सपना नहीं देख रहे हो, और अब तुम जल्दी से नीचे आ जाओ अगर तुम्हें घुड़सवारी करनी है तो, यानी कि घोड़े की राइड लेनी है तो। यहाँ पे मैं बता दूँ कि अरम और अरम की पूरी फैमिली गैरोगैलियन फैमिली से बिलोंग करती है, और उनकी पूरी फैमिली बहुत ही गरीबी में है, यानी कि उनकी पूरी फैमिली बहुत ही पॉवर्टी से गुजर रही है, और उनके ईच एंड एवरी ब्रांच जो उनके फैमिली के है वो जहाँ पे भी रह रहे हैं वो सभी के सभी बहुत ही गरीब हैं, उनके पास पैसा नहीं है। फिर वो बता रहे, इसलिए ये भी एक बात है जिसके वजह से उन्हें बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है जो उन्होंने देखा, यानी कि उन्होंने जो देखा कि मुराद जो है वो सुंदर से वाइट हॉर्स के ऊपर बैठा हुआ है, उन्हें इसलिए इस बात पे बिल्कुल भी यकीन नहीं हो रहा है। और वो ये भी बता रहे कि उनकी बचपन से इच्छा थी कि वो घोड़सवारी करे। और यहाँ पे आप ये भी जान लीजिए कि अरम और अरम की पूरी फैमिली आर्मेनिया से बिलोंग करती है, आर्मेनिया एक कंट्री है और वहाँ पे आर्मेनियन लैंग्वेज बोला जाता है, और उनकी फैमिली की जो पहचान है वो है विश्वास और ईमानदारी, यानी कि गैरोगैलियन फैमिली के जितने भी लोग हैं वो सभी विश्वासी और ईमानदार हैं, यानी कि वे काफ़ी ऑनेस्ट और ट्रस्टी हैं। यहाँ पे अरम ये भी बता रहे हैं कि उनके फैमिली के किसी भी मेंबर का हॉर्स के साथ कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए वो कह रहे हैं कि उन्हें मुराद पे शक हुआ कि उसने इस हॉर्स को चुराया होगा, इसलिए वो मुराद से पूछते हैं कि तुम्हें ये हॉर्स कहाँ से मिला। ये सुनकर मुराद कोई आंसर नहीं देता है, बल्कि बस ये कहता है कि अगर तुम्हें हॉर्स राइडिंग करनी है तो तुम जल्दी से नीचे आ जाओ। ये सुनकर जो अरम है उनका शक यकीन में बदल जाता है कि इसने इस हॉर्स को चुराया है। फिर वो अरम ये भी सोचते हैं कि हमारे फैमिली का कोई भी मेंबर चोर तो नहीं हो सकता। फिर वो ये कह रहे हैं अपने मन ही मन कि अगर ये हमने जो हॉर्स लिया ये तो हमने राइडिंग के लिए लिया, अगर हम इस हॉर्स को लेते और बेच देते तब ये चोरी कहलाता, पर हॉर्स को लेना बस राइडिंग के लिए ये चोरी नहीं है। फिर अरम मुराद से कहते हैं कि रुको मैं तुरंत कपड़े पहन के आता हूँ। मुराद कहते हैं कि अच्छा अच्छा पर जल्दी करो। फिर तुरंत अरम कपड़े पहनते हैं और अपनी खिड़की से एकदम फिल्मी स्टाइल से कूद जाते हैं और घोड़े के ऊपर आके बैठ जाते हैं। उसके बाद वो बता रहे हैं कि उनका जो घर है वो वैलनट एवेन्यू के पास है, और उनके घर के पीछे वाइनयार्ड्स है, ऑर्चिड्स है, इरिगेशन डिचेस है और कंट्री रोड्स हैं। अब फिर अरम बता रहे हैं कि 3 मिनट से भी कम समय में वो ऑलिव एवेन्यू पहुंच गए,
और फिर वो ये भी कह रहे हैं कि जब वो घोड़ा के ऊपर बैठे थे और घोड़ा दौड़ रहा था तो वो जो फील था वो बहुत ही वंडरफुल, यानी कि बहुत ही शानदार था और उन्हें बहुत ही मज़ा आ रहा था। फिर वो कहते हैं कि उनका जो कज़न था मुराद, जिसे ज़्यादातर लोग पागल मानते थे, वो उस समय जब घोड़ा के ऊपर बैठ के दौड़ रहा था तब वो उस समय गाना गाने लगा। फिर वो कह रहे हैं नहीं नहीं वो गाना नहीं गा रहा था, एक्चुअली वो चिल्ला रहा था। अरम कह रहे हैं कि हर फैमिली में एक ना एक मेंबर पागल तो ज़रूर होता है, जैसे कि उनका कज़न मुराद। फिर वो बता रहे हैं कि मुराद से पहले एक अंकल थे जिसका नाम है खुसरोफ, वो भी ऐसे ही पागल थे, जिनका बहुत ही पावरफुल खोपड़ी यानी कि पावरफुल हेड था, जिसमें ब्लैक हेयर था और उनकी बहुत बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ थी, और वो बहुत जल्दी अपना टेम्पर खो देते थे, इरिटेबल थे, इम्पेशेंट थे, और वो हर किसी को बात करने से रोक देते थे, यानी कि अगर कोई ज़रूरी बात कर रहा है तो वो बीच में चिल्लाएंगे और कहेंगे इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर कोई ध्यान मत दो। फॉर एग्जाम्पल, खुसरोव अंकल आपका किसी ने प्रॉपर्टी हड़प लिया। अरे इससे क्या हार्म है, इस पर ध्यान मत दो। सेकंड, खुसरोव अंकल आपका बंटी गिर गया। अरे इससे क्या दिक्कत है, कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। मस्त जोक मारा रे, यहां से हल्का ठास। अब देखो यहाँ पे एक इंसिडेंट का जिक्र किया गया है। खुसरोव अंकल बार्बर शॉप में अपनी दाढ़ी बनवा रहे हैं, तभी खुसरोव अंकल का बेटा जिसका नाम अरक है वो दौड़ते हुए आता है 8 ब्लॉक से बार्बर शॉप। 8 ब्लॉक्स एक जगह का नाम है, वहाँ से वो दौड़ते हुए बार्बर शॉप आता है और अपने पापा को बोलता है, पापा पापा हमारे घर में आग लग गया है, जल्दी चलो। तो खुसरोव अंकल यानी कि उनके पापा जो होते हैं कहते हैं कि अरे इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। ये बात सुनकर बार्बर कहता है, अरे अरे पर आपका बेटा तो बोल रहा है आपके घर में आग लग गया है। तो फिर वो फिर जोर से चिल्लाते हैं, अरे मैंने कहा ना इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। अब देखो यहाँ पे ध्यान से सुनना, यहाँ पे अरम कह रहे हैं कि मुराद को पागलपन उनके अंकल खुसरोव से मिला है, यानी कि मुराद पागल इसलिए है क्योंकि उनके अंकल खुसरोव भी पागल थे। पर फिर वो बता रहे हैं कि मुराद के फादर जिनका नाम जुरैब था वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, इसलिए वो कह रहे हैं कि कोई आदमी अपने बेटे का बाप जरूर हो सकता है, यानी कि अपने बेटे के शरीर का बाप जरूर हो सकता है, पर वो खुद अपने शरीर अपने स्पिरिट का बाप नहीं हो सकता, यानी कि उनके जो फैमिली में पागलपन का डिस्ट्रीब्यूशन है वो बहुत ही अनइवनली डिस्ट्रीब्यूटेड है, यानी कि कोई भी पागल निकल जा रहा है पर उसका जो डिसेंट है, यानी कि उससे पहले जैसे उनके फादर बिल्कुल भी पागल तो नहीं थे, जिनका नाम जुरैब था वो बहुत ही प्रैक्टिकल इंसान थे, पर वैसे ही उनका बेटा जो है वो थोड़ा पागल निकल गया, तो इसलिए वो बता रहे हैं कि उनके फैमिली में ये पागलपन का डिस्ट्रीब्यूशन बहुत ही गलत तरीके से किया गया है। अरम और मुराद दोनों ही मज़ा कर रहे थे, मुराद तो गाना भी गा रहा था, पर कुछ देर बाद मुराद कहते हैं अरम से कि तुम नीचे उतर जाओ, मैं थोड़ा देर अकेले राइड करना चाहता हूँ। फिर अरम कहते हैं कि मैं भी थोड़ा देर अकेले राइड करना चाहता हूँ, क्या तुम मुझे राइड करने दोगे? तो फिर मुराद कहते हैं ये तो हॉर्स पे डिपेंड करता है कि हॉर्स तुम्हें राइड करने देगा या फिर नहीं। तो फिर अरम कहते हैं कि हाँ वो मुझे राइड जरूर करने देगा। तो फिर वो कहते हैं मुराद यानी कि मुराद कहते हैं कि तुम ये नहीं जानते क्या कि मेरा एक वे है हॉर्स के साथ, यानी कि मेरा एक तरीका है या फिर मेरा एक रिश्ता है हॉर्स के साथ जिसके वजह से वो मुझे राइड करने देगा। तो फिर अरम कहते हैं कि हाँ जैसा भी तुम्हारा रिश्ता है हॉर्स के साथ मेरा भी रिश्ता है हॉर्स के साथ, यानी कि हॉर्स मुझे भी राइड करने देगा। फिर मुराद कहते हैं ऑल राइट, पर ये सब तो मैं तुम्हारी सेफ्टी के लिए बोल रहा था। फिर वो कहते हैं अरम से कि अब तुम नीचे उतरो, मैं थोड़ा देर अकेले राइड करके आता हूँ। अरम नीचे उतरते हैं और मुराद हॉर्स के हिल्स पे किक करते हैं, हॉर्स अपने दो पैरों पे खड़ा होता है, फिर वो चिल्ला के कहते हैं वजायर रन, और हॉर्स जो होता है वो बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगता है, और वो दौड़ते दौड़ते इरिगेशन डिचेस ड्राई ग्रासलैंड जो था वहाँ वहाँ जाता है, और 5 मिनट से कम समय में वापस उसी जगह पे आकर रिटर्न हो जाता है। फिर अब बता रहे हैं कि सन ऑलमोस्ट निकल ही रहा था, यानी कि वो जब 4 बजे मैंने बताया था जब अरम को बुलाने आते मुराद, तब 4 बज रहा था, यानी कि अब थोड़ा थोड़ा सन निकल रहा था, यानी कि अब 5, 5:30 या 6 बज रहा होगा ऐसा ही कुछ। तो फिर अब बारी थी अरम की, तो अरम हॉर्स के ऊपर बैठते हैं, हिल्स पे किक करते हैं, पर ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि हॉर्स हिले भी, यानी कि हॉर्स हिलता भी नहीं है। ये सब देख के अरम को थोड़ा बहुत डर लगने लगता है। फिर अचानक से हॉर्स जो है वो उठता है और बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगता है। देखो अब अरम के साथ कांड ये होता है कि हॉर्स बहुत ही तेज़ी से दौड़ने लगता है और इंस्टेड ऑफ इरीगेशन डिचेस वो कहाँ चला जाता है, धीकरण हलाबियन की ओर चला जाता है, और कुछ ही देर में अरम हॉर्स से गिर जाते हैं क्योंकि हॉर्स बहुत ही तेज होता है।
फिर मुराद दौड़ते दौड़ते अरम के पास पहुंचता है और चिल्ला के कहता है, मैं तुम्हारे फिक्र नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, मुझे तो वो हॉर्स की चिंता है, जल्दी से हॉर्स को पकड़ के लाओ इससे पहले कि सभी लोग शहर में या फिर वो गाँव में जाग जाए। फिर अरम उसी रोड की तरफ चल जाते हैं उस हॉर्स को ढूंढने, और मुराद जो होता है वो इरिगेशन डिचेस की ओर जाता है हॉर्स को ढूंढने, और करीब करीब आधा घंटा बाद वो हॉर्स मिलता है और फिर उसे मैं वापस लाता हूँ। अब मुराद कहते हैं कि अब सुबह हो चुका है, हमें जल्दी से इस हॉर्स को या तो वापस छोड़ना पड़ेगा या फिर हमें इसे छुपाना होगा। तो फिर अरम बोल रहे हैं कि मुराद के चेहरे पे बिल्कुल भी चिंता नहीं दिख रही थी, जिससे ये पता चलता है कि मुराद उस हॉर्स को रिटर्न तो नहीं करने वाला था बल्कि छुपाने वाला था। इसलिए अरम मुराद से पूछते हैं कि तुम इस हॉर्स को कब से चुराए हो, यानी कि तुम इस हॉर्स का राइड का मजा कब से ले रहे हो। तो मुराद कहते हैं, चोरी, तुम्हें किसने कहा कि मैंने इस हॉर्स को चोरी किया है। फिर वो कहते हैं कि मैं तो इस हॉर्स को आज सुबह से ही राइड कर रहा हूँ। तो फिर अरम मुराद से पूछते हैं, क्या तुम सही कह रहे हो, यानी कि क्या तुम ट्रुथ कह रहे हो। तो मुराद कहते हैं, ऑफ कोर्स नॉट, मैं सही क्यों कहूँगा, पर जहाँ तक तुम जानते हो तो तुमने मुझे आज ही इस हॉर्स को राइड करते हुए देखा है, इसलिए अगर कोई भी पूछे तो तुम यही कहना, इससे हम दोनों को कोई झूठा नहीं कहेगा। फिर वे दोनों यानी कि मुराद और अरम उस हॉर्स को खाली पड़े एक वाइनयार्ड में ले जाते हैं, और उस वाइनयार्ड में एक फार्मर रहता था जिसका नाम था फेटवेजियन, और उस फार्म में कुछ ड्राई अल्फा अल्फा थे और कुछ ओट्स थे जो वे दोनों हॉर्स को खाने के लिए देते हैं। मुराद उस हॉर्स को खाना यानी कि वो ड्राई अल्फा अल्फा खिला रहे हैं, और वो ये भी कहते हैं कि ये कोई आसान बात नहीं है कि हॉर्स तुम्हें समझे और हॉर्स तुम्हारे साथ अच्छा बिहेव करे, पहले तुम्हें उसके तरीके को समझना पड़ेगा, तुम्हें एक वे बनाना पड़ेगा, एक रिश्ता बनाना पड़ेगा हॉर्स के साथ। तो फिर अरम कहते हैं कि अच्छा, तो तुम मुझे ये बताओ कि मुझे कितना टाइम लगेगा कि मैं इस हॉर्स के साथ अच्छा रिश्ता बना सकूं ताकि मैं भी राइड कर सकूं। तो फिर मुराद कहते हैं, तुम्हें एक सिंपल और ऑनेस्ट वाला रिश्ता बनाना पड़ेगा इस हॉर्स के साथ। तो अरम कहते हैं कि काश ऐसा हो जाए और मेरा भी एक रिश्ता बन जाए इस हॉर्स के साथ। तो फिर मुराद कहते हैं, तुम अभी भी छोटे बच्चे हो, तुम जैसे ही 13 साल के होगे तो तुम शायद इन सब चीज़ों को समझ जाओ। फिर अरम टेस्टी टेस्टी ब्रेकफास्ट खाने के लिए अपने घर जाता है, और फिर वो बता रहे हैं कि उसी दोपहर उनके घर में अंकल खुसरो आते हैं और एक चेयर पे बैठ जाते हैं और कॉफ़ी पीने लगते हैं और सिगरेट फूकने लगते हैं, और वो स्मोक कर रहे रहते हैं और अपने पुराने दिनों को याद भी कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पे एक विजिटर जो कि एक फार्मर होता है जिसका नाम जॉन बायरो होता है वहाँ पे आता है। ये सब देख के अरम की जो मम्मी होती है उस फार्मर के लिए कॉफ़ी लाती है और तंबाकू लाती है, फिर वो भी बैठ जाता है। जॉन बायरो जो कि फार्मर होता है वहाँ पे बैठे बैठे टेबल से एक सिगरेट उठाता है, उसे लाइट अप करता है और फिर वो भी वही फूकने लगता है, और वो कहने लगता है कि मेरा व्हाइट हॉर्स जो कि लास्ट मंथ स्टोल यानी कि चोरी हो गया था, वो मुझे अभी तक नहीं मिला और मैं उसके लिए काफ़ी चिंतित हूँ। ये सब सुन के मेरे जो अंकल होते हैं खुसरोव जो कि थोड़े पागल होते हैं वो फिर से चिल्लाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और फिर चिल्लाते हैं, कहते हैं लॉस ऑफ हॉर्स इससे ये कौन सी बड़ी चीज़ है, हमने भी तो अपना घर खोया था, ये कोई बड़ी चीज़ नहीं है, इस पर ध्यान मत दो, और इससे किसी को हार्म भी तो नहीं है, हॉर्स के लिए रोना भी कोई रोना होता है। तो जॉन बायरो कहता है कि आपके लिए ये कोई छोटी सी बात होगी पर मेरे जैसे फार्मर के लिए ये बहुत ही बड़ी बात है। जॉन बायरो ये भी कहते हैं कि एक बग्गी का बिना हॉर्स के क्या फ़ायदा है, यानी कि जॉन बायरो के पास एक बग्गी है जिसमें से जो हॉर्स लगा हुआ था वो खो चुका है। फिर अंकल खुसरोव चिल्लाते हुए कहते हैं, इस पे ध्यान मत दो, इससे कोई हार्म नहीं है। तो फार्मर कहता है कि मैं 10 माइल चल के यहाँ आया हूँ, यानी कि अप्रॉक्स 16 किलोमीटर चल के यहाँ आया हूँ। तो फिर जो अंकल खुसरोव होते हैं वो फिर चिल्लाते हैं और कहते हैं, तुम्हारे पास लेग है तो तुम चल के तो आ ही सकते हो, यानी कि तुम्हारे पैर किस लिए हैं। तो फार्मर कहता है, अच्छा तो जो मेरा पैर दर्द किया उसका क्या। तो फिर अंकल खुसरोव कहते हैं, इससे कोई हार्म नहीं है, इस पर ध्यान मत दो। फिर जॉन बायरो कहते हैं, उस हॉर्स की कीमत मुझे $60 पड़ी। तो फिर अंकल खुसरोव कहते हैं, मैं पैसे पे तो थूकता हूँ। फिर अंकल खुसरोव जो हैं वो अपनी सीट से उठते हैं और तुरंत उस घर से बाहर निकलते हैं डोर को पटकते हुए, यानी कि जो मेन डोर था उसको उस पर बहुत ज़ोर से मारते हुए। तब अरम की मम्मी आती है और उस फार्मर को समझाती है कि वो जो अंकल है उनके बातों का बुरा मत मांगना, वो एक लार्ज हार्टेड मैन है और उन्हें अपनी घर की याद आती है, और वो इतने बड़े आदमी हैं और उन्होंने अपना घर खोया है इसलिए वो कुछ ऐसा बिहेव कर रहे हैं, और उनका हार्ट जो है वो भी काफ़ी नरम है।
फिर जो फार्मर होता है वो वहाँ से उठता है और वो भी वहाँ से चला जाता है। और ये सब देख के सबसे पहले अरम वहाँ से उठता है और दौड़ के अपने कज़न मुराद के पास जाता है। और उस समय मुराद पीच ट्री के नीचे बैठा हुआ रहता है और एक बर्ड को रिपेयर कर रहा होता है जिसका विंग्स में थोड़ी सी चोट आई हुई रहती है, और वह एक रॉबिन बर्ड होता है। और वह मुराद अपने उस बर्ड से बात कर रहा होता है, तो मैं वहाँ पे आके कहता हूँ व्हाट इज़ इट, वो मुझसे पूछता है कि व्हाट इज़ इट, क्या हुआ। तो फिर मैं उसे पूरा कहानी एक्सप्लेन करता हूँ कि कैसे वो फार्मर मेरे घर आया था और वहाँ पे क्या क्या हुआ। और मैं उसे ये भी कहता हूँ कि प्लीज़ तुम मुझसे प्रॉमिस करो कि ये हॉर्स तुम उसे नहीं लौटाओगे, यानी कि उस फार्मर को तुम ये हॉर्स नहीं लौटाओगे जब तक कि मैं हॉर्स राइडिंग ना सीख लूँ। तो फिर मुराद मुझसे कहता है कि तुम्हें हॉर्स राइडिंग सीखने के लिए करीब करीब 1 साल लगेगा, तो तुम क्या चाहते हो मैं इस हॉर्स को 1 साल तक चोरी करके रखूँ। मैं कहता हूँ कि हाँ क्यों नहीं, हम 1 साल तक इस हॉर्स को रख सकते हैं। तो फिर मुराद चिल्लाते हुए कहता है क्या तुम एक गैरोगेलियन फैमिली के मेंबर को चोरी करने के लिए सिखा रहे हो, यानी कि तुम एक गैरोगेलियन फैमिली जो कि ऑनेस्टी के लिए जाना जाता है तुम उसे चोर बनाना चाहते हो। फिर अरुण कहता है कि अच्छा तो कम से कम 6 महीने के लिए तो हम इस हॉर्स को रख सकते हैं ना प्लीज़ मेरे लिए। ये सब सुनकर मुराद पहले तो रिप्लाई नहीं करता, पहले वो उस बर्ड को ऊपर की ओर फेंकता है। बर्ड बहुत ट्राई करती है, इवन कि वो 2 बार गिरती भी है, पर फाइनली वो जो बर्ड होता है रॉबिन बर्ड वो फाइनली उड़ जाता है। अगले 2 हफ्ते तक हर सुबह मैं यानी कि अरम और मुराद दोनों हॉर्स राइडिंग के लिए जाते थे, पर हर बार वही होता था, अरम को वो घोड़ा जो था गिरा के चल जाता था और फिर वो घोड़े को ढूंढते थे और वापस लेते आते थे। और अगले 2 हफ्ते तक बस यही चला। फिर एक दिन जब वे दोनों यानी कि अरम और मुराद उस घोड़े के साथ फिटवेजियन डिजर्टेड वाइनयार्ड पहुंचे, तब उन्होंने देखा कि वहां पे जॉन बायरो भी आया हुआ है। ये सब देख के मुराद कहता है अरम से कि तुम चुप रहना, मेरा एक वे है फार्मर्स के साथ, यानी कि मेरा एक रिश्ता टाइप का है, या फिर मुझे उन सब से निपटना आता है, यानी कि फार्मर से निपटना आता है, इसलिए मैं ही बात करूंगा। तो फिर जॉन बायरो आते हैं और मेरे कज़न मुराद को और मुझे देख के कहते हैं अच्छा क्या मैं तुम्हारे हॉर्स को स्टडी कर सकता हूँ। तो उससे पहले मुराद कहता है कि गुड मॉर्निंग जॉन बायरो, तो उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं कि क्या मैं तुम्हारे हॉर्स को स्टडी कर सकता हूँ। तो मुराद ने कहा ऑफ कोर्स, उसके बाद वो कहते हैं गुड मॉर्निंग माय सन ऑफ प्रिंस, यानी कि मेरे दोस्त के बेटो। उसके बाद वो उस हॉर्स का नाम पूछते हैं, तो मेरा जो मुराद होता है मेरा कज़न वो बोलता है माई हर्ट, आर्मेनियन लैंग्वेज में उस घोड़े का नाम जो है वो है हर्ट, मतलब कि मेरा हर्ट आर्मेनियन लैंग्वेज में। उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं कि बहुत ही लवली स्वीट नेम है इसका, बहुत ही अच्छा नाम है इसका। उसके बाद वो उस हॉर्स के दांतों को देखते हैं, एक एक दांत को देखते हैं, और उसके बाद कहते हैं कि मैं ऐसा कसम खा के कह सकता हूँ कि ये मेरे हॉर्स जैसा ही एक जुड़वा है। तो फिर वो उसके बाद जॉन बायरो कहते हैं कि मैं इसे जुड़वा इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छा से जानता हूँ, जिसकी पहचान ही ऑनेस्टी है, जो इसे चोरी तो नहीं कर सकता। अगर कोई और होता जो तुम्हें नहीं जानता तो भले ये कह सकता था कि ये हॉर्स चोरी किया हुआ मेरा ही हॉर्स है, पर ये मैं तुम्हारी फैमिली को अच्छी तरह से जानता हूँ इसलिए ये हॉर्स मेरा ही हॉर्स का जुड़वा है, ऐसा मैं कह सकता हूँ। उसके बाद जॉन बायरो उन बच्चों को यानी कि अरम और मुराद को कहते हैं गुड डे चाइल्ड, उसके बाद वो लोग भी कहते हैं गुड डे जॉन बायरो। फिर अगले दिन अरम और मुराद दोनों ही उस घोड़े को लेके चुपके से फार्मयार्ड जाते हैं जॉन बायरो का, ताकि वो चुपके से उस घोड़े को रख के आ जाएं। फिर अरम देखते हैं कि कुछ डॉग्स उनका पीछा कर रहे हैं, तो मुराद से पूछते हैं कि क्या ये डॉग्स भौंकेंगे नहीं, अगर ये भौंक दें तो जॉन बायरो को पता चल जाएगा। तो मुराद कहते हैं कि नहीं नहीं ये डॉग्स नहीं भौंकेंगे क्योंकि उनका इन डॉग्स के साथ भी बहुत अच्छा रिश्ता है। तो जैसे कि वो पिछले बार कहे थे मुराद कि उनका हॉर्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर उन्होंने कहा था उनका फार्मर्स के साथ बहुत अच्छा रिश्ता है, फिर अब वो कहते हैं उनका डॉग्स के साथ बहुत ही अच्छा रिश्ता है इसलिए अब वो नहीं भौंकेंगे। फिर वे दोनों उस हॉर्स को वहाँ छोड़ देते हैं, पर जाने से पहले मुराद अपने हाथों से उस हॉर्स को पकड़ते हैं, अपने नाक को हॉर्स के नाक पे सटाते हैं, एक लास्ट बार कुछ पता नहीं हग टाइप करते हैं हॉर्स को, उसके बाद वहाँ से निकल जाते हैं। फिर उसी दिन दोपहर को जॉन बायरो अपने घोड़े गाड़ी में बैठ के उनके घर आते हैं यानी कि अरम के घर आते हैं, और कहते हैं उनकी मॉम से देखिए मुझे मेरा हॉर्स मिल गया, बहुत खुश थे वो। और वो ये भी बता रहे थे कि उनका हॉर्स पहले से भी ज़्यादा स्वस्थ और ताकतवर है,
और वो ये भी कहते हैं कि मैं गॉड को इसके लिए बहुत थैंक करता हूँ। ये सब देख के खुसरो अंकल जो वहाँ पे बैठे हुए थे वो बहुत टेंपर हो जाते थे जो जल्दी से, वो इस बार भी टेंपर हो जाते हैं, इरिटेट हो जाते हैं और चिल्ला के कहते हैं अब तो तुम्हें तुम्हारा हॉर्स मिल गया है, अब इस पर ध्यान मत दो। और यार इस तरह से हमारा जो चैप्टर का एक्सप्लेनेशन है वो खत्म होता है। और यार इस वीडियो की लाइक 3K लाइक्स है, देखता हूँ कंप्लीट हो पाता है कि नहीं। एंड अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को प्लीज शेयर कर देना। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक लिए बाय बाय। Said they all wanna live.